कहाँ से आना हुआ है? कानपुर से। पहली बार आई हैं? मिल नहीं पाई? आज पहली बार मिल रही? भभूति भर प्राप्त है, मिल नहीं पाई आज तक, चर्चा भी नहीं हो पाई। कानपुर में कहाँ रहती बहन? बसंत। सेनापति जरा दृष्टि डाले, ये बच्ची बहुत परेशान है, गुरुजी ने आज्ञा दी थी इस बच्ची के बारे में। हाँ, अकाल मृत्यु किसकी हुई थी? ये मैया है, इनको भी तो सवारी बनती है। आप बहुत गुरुओं के पास भी हुआई हैं, दरबारों में भी हुआई हैं। दोनों मुट्ठी बांध लो सेनापति। माता जी आप साथ में यहाँ आ जाओ। अभी इनको छोड़ दिया जाए, इनका प्रभाव, इनकी जो शक्ति कीलित की गई है उसको तेज कर दिया जाए। और तेज मारो चमेटा, सर में मारो इसके, और तेज फटकारो। आप ऐसे पर बैठ जाओ। राम, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आप लगा दो, कोई दिक्कत आप, हाँ इनको ये लगा दो आप भैया अपना, हम काम करते रहेंगे, अपना लगाओ, लगवा दो गुब्बारे। तो अनुष्ठान विधियां भी करवाई आपने बहुत जगह। जब अकाल मृत्यु हो गई उसके बाद में आपने बहुत करवाया, अकाल मृत्यु लगातार। निवास पे जैसे ही पहुंचते प्रभाव ज्यादा कर देता है, दिमाग चढ़ाता है, उल्टी हरकतें करता है, ठीक है, पागल दिमाना देता है, गंदी हरकत करवाता है, जो बोल नहीं सकते हैं माइक से वैसी हरकत भी करता है, हवस के रूप में आता है, सामने घर पर खड़ा हो जाता है, जिन्न परेशान करता है, पूरे शरीर में लौंच देता है, निशान बन जाते हैं पीछे की तरफ जैसे किसी ने काटा हो, ऐसा होता है। हमने देख लिया, गुरुजी ने आज्ञा कर दी, बहन जाओ, आज से तुम्हें घर पर रुकने की आज्ञा है और तुम्हारा इस जिन्न से बाल बांका नहीं होगा और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। माइक लो माता, यही विषय, कोई संदेह? नहीं, कोई संदेह नहीं है। क्या बात एकदम सही है? सही है गुरु जी, बहुत परेशान हुए हम, बचपन से परेशान है, मेरे बहन। अच्छा, लेकिन जब इन पर प्रभाव आया उसके बाद अकाल मृत्यु बनी? हाँ, इनके पिताजी की हुई है। हैं? हाँ। तो इन पर जब प्रभाव आया बेटी पर, हाँ, हाँ। इसके बाद ही प्रभाव, प्रभाव मतलब सवारी, सवारी बना है शरीर को जकड़ा, इसके बाद में अकाल मृत्यु बनी। यह गंदा जिंद है, भेजा गया है, प्रयोग किया गया है, लेकिन जाओ, अब तुम घर पर भी रह पाओगे। चूंकि आज तुम्हारी अर्जी इसीलिए लगी कि जब हम दरबार में बैठे थे तब सन्यासी बाबा ने बताया कि आपको मकान में नहीं रहने देता है, आप बाहर रहती हो। हाँ, घर के बाहर है, वहाँ पे घर भी बन रहा है, फ्लैट बन रहे हैं अब। गुरु जी हम मिल नहीं पाए थे आपसे। अरे राम राम, पापा के साथ रहनी है, पापा बुलाते थे, आ जाओ बेटा हमसे मिल जाओ आके। घर पे नहीं रह पाते थे? नहीं। कितने दरबारों में गई आप? हम बहुत जगह गए, मम्मी भी लेके गई, निरंकारी में भी जुड़े रहे 24 साल। 24 साल? जी। ओ, सेवा करते रहे तन मन धन से, आज भी सेवा की बहुत इच्छा है। हमको गलत बनाया, हमको गलत बनाया, इसका आपको बहुत प्रायश्चित है। थोड़ी सी आपकी भी मति उल्टी रही, खैर वो चर्चा मंच की नहीं है। दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग खराब कर दिया कि यार इतना सुनाया गया कि हम सोच नहीं पाए सही दिशा। कोई बात नहीं, आप दोनों को आज से ही लाभ होगा। लाओ जरा गंगा जल, बोलो सीताराम हरे हरे। दोनों लोग ऐसे हाथ मलो, माइक रख दो, प्रभाव तत्क्षण बंधन में लिया जाए। लाओ, चलो इधर आओ, इनको उठा दीजिए।
फिर माता जी को उठा दी। हाँ हाँ हम कर देंगे, उठ के बैठो हम कर, कोई बात नहीं, अभी हम उपाय कर रहे हैं, आपकी अर्जी हम लगाए दे रहे हैं, थोड़ी देर में पर्चा भी दे रहे हैं, जाओ खुश बस मुस्कुराओ, आज से जय जय रहेगी। अभी 21 उसमें शनिवार पे बैठना है, नियम नहीं तोड़ना है, नियम बिल्कुल। मेरी बहना, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम चिंता मत करो बहना, तुम्हारा नहीं नहीं माँ तुम छोड़ो चिंता, बहन हम हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम चिंता मत करो, हम ठीक करवाएंगे, खुश जाओ उठ के वहाँ बैठ। आज के बाद तुम्हें हम वही उसी मकान में रुकवाएंगे जिस मकान में तुम 25 वर्ष नहीं रुक पाए हैं, उसी मकान में रहोगे, उसी घर में निवास करोगे, बाल बांका नहीं होगा और वो हवसी जिन तुम्हें छू नहीं पाएगा, बहन जाओ आशीर्वाद है। अब वो चर्चा बाद में, आप वहां बैठो, ये गंगा जल का प्रयोग करो। ये आया है आपके पर्चे में बहन, माँ बेटी दोनों पर भूत बाधा का प्रभाव, घर मकान में रहने नहीं देता, परेशान करता, उल्टा गंदी हरकत करवाता, उपद्रव मचाता, जिन्न हफ्सी प्रेत है, एक मौत का कारण भी यही है, बहुत पहले करवाया गया एवं माँ को चरित्रहीनता का घोषित भी करवाया गया उल्टी बुद्धि करवा करके। क्या ये बात सही है? एकदम ये बात है, और ये जो है दुर्बुद्धि इसी ने की है। नाम जप करो, पवित्रता रखो, ध्यान रखो, भजन बहुत करो, उल्टे सीधे कामों में अब नहीं पड़ना है, प्रेत बाधा की गारंटी हमारी है, मकान में रहने की रहलवाने की जिम्मेवारी हमारी है, जाओ बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है, उठ जाओ, इसको जकड़न करो जरा। मंगलवार की पेशी, शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में, ये चर्चा बाद में। चाची समझ गई, तुम्हारा निपटारा भी हो गया, लेकिन हमारा कलेश ना मचवाइयो, बस बस जाओ, अब छोड़ो जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा बहन, हमने कह दिया, अब हमने जब तुम्हें बहन कह दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम वचन के बहुत पक्के हैं।